गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे आवर टॉपिक प्राइम नंबर्स ऑफ चैप्टर 5. देखिए, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर? ए नंबर अदर देन वन, मतलब वन को छोड़कर जो नंबर होता है, दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स. इसके केवल दो फैक्टर होते हैं, नेमली वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब वन और जो नंबर वो खुद है जिसका हमें निकालना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है. तो वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टू, टू इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और यू कैन से फर्स्ट, कि टू का एक फैक्टर वन होगा और एक टू होगा. अदर किसी भी टेबल में टू नहीं आएगा, किसी से भी डिटेक्ट नहीं होगा, मीन्स टू इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर. और टू प्राइम नंबर्स विच डिफर बाई टू, ऐसे दो प्राइम नंबर जो टू से डिफरेंस रखते हो, यानी टू जिनके बीच में अंतर होता हो, वो होते हैं ट्विन प्राइम्स. और ए नंबर अदर देन वन, वन को छोड़ के जो नंबर होते हैं, दैट हैज़ मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट होते हैं, है ना. अब जैसे ये है एक एग्जांपल, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है. इज़ देयर ए नंबर विच इज़ प्राइम एज वेल एज इविन? कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम भी और इविन भी? यस, इट इज़ टू. गिव थ्री एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम के थ्री एग्जाम्पल, जैसे थ्री एंड फाइव, इनमें दो का डिफरेंस है, फाइव एंड सेवन टू का डिफरेंस है, और ये ऐसे नंबर हैं जिसके दो से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते. थ्री का वन एंड थ्री, फाइव का वन एंड फाइव, फाइव का वन एंड फाइव, सेवन का वन एंड सेवन, ऐसे 41 एंड 43, इस तरह से और भी हो सकते हैं. क्लियर? सो प्राइम नंबर क्या है? कि जिस नंबर में नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक वो एक वन. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? टू. ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? जिनमें टू का गैप हो, जैसे थ्री एंड फाइव का पेयर है ना, फाइव एंड सेवन का पेयर, इसी तरह से इलेवन और थर्टीन का पेयर भी ट्विन प्राइम में आता है. अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिन नंबरों के टू से अधिक फैक्टर हों, जैसे फोर. फोर के फैक्टर क्या क्या होंगे? वन, टू, फोर. तो फोर एक कंपोजिट नंबर है. इसी तरह प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट ही होंगे. जैसे सिक्स है, वन, टू, थ्री, इसके फोर फैक्टर हैं, है ना. तो इस तरह से ये नंबर हमारे कंपोजिट होते हैं. इज क्लियर? नाउ हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को शो करता है प्राइम फैक्टराइजेशन. वी हैव ऑलरेडी लर्न टू मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर, है ना. हमें दो मेथड सीखेंगे, हम सीख भी चुके हैं, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन वाई 1225 बाय फैक्टर ट्री. अब देखिए, फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है? एज ए ट्री शो होगा ये ब्रेक. इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है ना, तो उसमें ब्रेक द नंबर इन टू टू ईजीली एग्रीएबल पेयर ऑफ फैक्टर, मीन्स जो हमारे मानते हैं, जिसे हम एग्री हैं, जिससे कि फैक्टर हैं, ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे. इफ़ द नंबर एट वन एंड ऑफ द ब्रांच और बोथ ब्रांच इज प्राइम, यदि फर्स्ट जो ब्रांच बनती है एक ट्री की, यदि वो प्राइम है तो वहीं स्टॉप कर देते हैं, लास्ट प्राइम बचता है तब. अब जैसे 1225 है, इसको हमने तोड़ा 5 और 245 में. ये हम कर करके देखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट से हमें पता चल रहा है कि लास्ट में वंस पर 5 है तो ये 5 से जाएगा. हम डिवाइड करके देखेंगे तो 245 टाइम्स गया है 5 से. अब फिर आप इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से 49 टाइम्स गया. अब 49 का हमें सीधे सीधे पता है, 7 7 जा 49. अब ये जो आई, ये आए प्राइम फैक्टर 5 5 7 7. एक मेथड ये है कि पहले से 25 और 49 में ब्रेक किया, है ना, वो तो हमें आइडिया लग जाता है, हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं. फिर 25 को ब्रेक किया 5 इंटू 5 और 49 के साथ, तो इस तरह से भी यही फैक्टर आए जो पहले मेथड में आए. इट इज़ नॉट प्राइम. इफ़ इट इज़ नॉट प्राइम देन कंटिन्यू ब्रेकिंग. यदि प्राइम नहीं निकल के आते हैं तो हम आगे भी ब्रेक करते हैं. टिल द नंबर एट द एंड ऑफ ईच ब्रांच इज सर्कल्ड. हर ब्रांच सर्कल्ड हो जाए. सर्कल्ड से मतलब इस तरह से, ये है ना, ये सर्कल का एक पार्ट सा बन जाए, लास्ट में प्राइम आ जाए. प्रोडक्ट ऑफ ऑल सर्कल्ड नंबर
सर्कल कर दिए, ये सर्कल किए, ये तो हुआ ही, और ये सर्कल कर दिए, जितने भी सर्कल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट ले लिया, तो जो प्रोडक्ट आया वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 5 × 5 × 7 × 7 तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इट इज़ क्लियर। अब जैसे देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 8, 2 × 2 × 2 × 1, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, इसमें 1 लेने की आवश्यकता नहीं है, 1 इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, है ना। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर करते हैं और जानते हैं कि किसी नंबर को हम कैसे तोड़ सकते हैं फैक्टर्स में। तो इस क्लियर, इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 75 के हमें फैक्टर ट्री करने हैं, फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हम लीजिएगा 75 में 5 लास्ट में, मीन्स इट इज़ डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स आएगा, 5 × 15 = 75, और फिर हम 15 को फिर तोड़ेंगे, 5 × 3 = 15, मीन्स ये जो सर्कल्ड फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर, ये हमारे 75 के प्राइम फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। एक मेथड ये है कि हम इसको 3 से करेंगे, 3 से करके देखा तो 25 टाइम्स गया 75, फिर 25 को किया तो 5 जा वही फैक्टर निकल के आए, 3 1 टाइम और 5 2 टाइम, 3 1 टाइम 5 2 टाइम, या 5 2 टाइम 3 1 टाइम। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में बाई फैक्टर ट्री मेथड तोड़ सकते हैं। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आता है हमारे डिवीजन मेथड। इससे एक एग्जांपल है 1550। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 2 जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उससे डिटक्ट करते हैं, यानी उससे डिवाइड करते हैं। तो 2 × 7 = 14, 1 कैरी, 2 × 7 = 14, जैसे हम डिवाइड करते हैं क्योंकि डिवीज़न मेथड है, तो 1 कैरी, 2 × 5 = 10। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 कैरी, 3 × 8 = 16, 3 × 5 = 15, और 15 × 2, 3 से नहीं जाएगा, 5 से देखेंगे, 4 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 × 5, 2 कैरी, 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 5 = 5 से गया ये, अब फिर 5 से जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5। अब देखा हमने 31 किसी भी नंबर से डिडक्ट नहीं होगा, तो यहीं स्टॉप लगा देंगे, है ना। अब ये सारी हमारे किसके फैक्टर हो गए, 1550। जब हमारा प्राइम नंबर यहाँ बसता है, चाहे वो कितना बड़ा या छोटा हो, तभी स्टॉप लगा देते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा 31 के ऐसा नंबर है जो किसी से किसी के टेबल में नहीं आएगा। अब एक बार मल्टीपल करके देख लें, 2 × 5 = 10, 5 × 50, 50 को 3 से 31 से करेंगे, 5 × 5 = 5, और 5 × 3 = 15, और 1 0। तो इस तरह से ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 1550 के बाय डिवीज़न मेथड। ओके स्टूडेंट, बोथ आर मेथड, अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।